हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अपन लाइव हैं? क्या लाइव आ चुके हैं अपन? आई थिंक वी आर लाइव नाउ। यस यस यस, वी आर लाइव। हाँ, चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ओके, सो दिस इज एजुकेटर सी ए दीक्षांत खंडेलवाल, वेलकम यू इन द क्लास। सो गाइस, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं एक सी एस यस ओके, तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मैं एक सी एस सी एम ए, बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, बी एड, एल एल बी तो मैं हूँ। इसके अलावा मैं सी पी ए परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम अमेरिका, दैट इज़ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। एंड ठीक है, आई एम परस्यूइंग माई एम बी ए, ग्लोबल एम बी ए फ्रॉम एल एस बी एफ, दैट इज़ लंडन यूनिवर्सिटी, लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस फिनेंस। और अन अकेडमी पे आप लोग के पास, अगर आप लोग सी ए करना चाहते हैं तो अन अकेडमी पे आप सी ए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज मिलेंगे जहाँ पे आपकी अच्छी, बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज हो सकती है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे भी आप, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके, आप लोग के लिए लगाया जाएगा। रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही है, जो जो सी ए फाउंडेशन दिसंबर में देना चाहते हैं उनके लिए एक रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो आप रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे मेरे को लंडन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली हुई है, आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, टेस्ट देना है जाके, और फ्री टेस्ट है। ठीक है, यू कैन ट्राई एन अकेडमी फॉर फ्री। सी ए प्रैक्टिस सेक्शन है यहाँ पे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12,000 हम एम सी क्यूज लेके आए हैं आप लोग के लिए, और मेरे हिसाब से 12,000 एम सी क्यूज इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि इसके अलावा एस एच पेपर कहीं और से आता ही नहीं है। मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आपका पेपर यहीं से आएगा। और हम लोगों ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर है होस्टिंग अ क्विज। मतलब आप अपने हिसाब से क्विज होस्ट कर सकते हैं। तो देखो यार, जब अपन अपने हिसाब से क्विज होस्ट करते हैं ना, एक अलग ही तरीके का फील आता है उस कंडीशन में। तो आप अपने हिसाब से क्विज होस्ट कर सकते हैं, तो डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विद यू गाइस। चलिए, तो आज अपना मैराथन है जिसमें अपन चालू कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर देखो, मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। आठ आदमी की पढ़ाई, आठ नहीं, 12 आदमियों की पढ़ाई कर ली मैंने। ठीक है, अब तुम लोग भी कर लो पढ़ाई, 8 आदमी की पढ़ाई कर ली। चलो सुनो, अब चालू करते हैं। आपका एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में कुछ पहले, चालू करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स, के डिबेंचर्स होते क्या हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स बाद में देखेंगे, पहले डिबेंचर्स के बारे में समझते हैं कि डिबेंचर्स क्या हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, आज दो जनों के बारे में बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट अंबानी। चलो अंबानी छोड़ो, आज अडानी के बारे में बात करते हैं। अंबानी के बारे में हर बार अपन ने बात करी है, आज अडानी के बारे में बात करते हैं। देखो यार, सबको पता है अडानी के बारे में, अडानी के बिजनेसेस के बारे में सब लोगों ने सुना होगा अडानी, क्योंकि इतनी जल्दी जो वो सुपर रिच बने हैं तो सब लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि यार कोई इतना अमीर इतनी जल्दी कैसे बना है। तो एवरीबडी इज लाइक वेरी क्यूरियस कि यार ये क्या है। तो बैकग्राउंड में लोग बात करते हैं हमेशा कि यार उसके पास लोन बहुत ज़्यादा है, उसने लोन्स बहुत ले रखे हैं, कल को डूब गया तो क्या होगा। देखो यार, अडानी की जो वैल्यूएशन है ना, वो आज की डेट में उसके लोन से 10 गुना ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा है उसकी, आज उसकी वैल्यूएशन देखा जाए, कंपनी की वैल्यूएशन देखा जाए। अभी जैसे उसने मान लो 2-2.5 लाख करोड़ का लोन है उसके ऊपर, बट उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, कंपनी की वैल्यू जो है ना आज की डेट में वर्थ बहुत ज़्यादा है। इसको कहते हैं लीवरेजिंग। क्या कहते हैं इसे? लीवरेजिंग कहते हैं। आज अगर कोई सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लेता जाएगा ना, इमेजिन करो पार्टनरशिप फर्म है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ, मैंने एक जने को एज ए पार्टनर ले लिया तो प्रॉफिट्स के 2 हिस्से, एक और को एज ए पार्टनर ले लिया तो प्रॉफिट्स के 3 हिस्से, एक और को पार्टनर ले लिया तो प्रॉफिट्स के 4 हिस्से।
तो ये गलत हो जाएगा, जब प्रॉफिट्स के दो तीन चार हिस्से, तो सीधे सीधे तुम्हारा प्रॉफिट्स चला गया। इसी की जगह पे मान लो दो पार्टनर्स ने मिलकर थोड़ा सा उधार ले लिया, तो प्रॉफिट्स उन्हें देने नहीं पड़ेंगे। अगर वो ज्यादा कमा रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा क्या कर देंगे, ठीक है, सामने वाले को दे देंगे जो भी उसको इंटरेस्ट देना है, और बाकी सारा का सारा खुद रख लेंगे। सो बेसिकली होता यह है कि जब हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर इक्विटी ओनरशिप उतनी ही जरूरी है जितना डेट जरूरी है। बिजनेसेस के अंदर डेट भी जरूरी होता है। जैसे आज एक एग्जांपल देखो, आज मेरे बिजनेस में मैं 20% कमाता हूँ, 20% कमाता हूँ, मैं मेरे बिजनेस में 20% कमा रहा हूँ, है ना। और अगर मान लो मैंने कहीं से 10% पे उधार ले लिया और मैं 20% कमा रहा हूँ मेरे बिजनेस में, 10% उधार लेके आ गया, तो भी 20 में से अगर मैं 10 निकाल के दे दूंगा तो 10% तो बचेगा ना मेरा। मतलब इट्स लाइक दूसरों के पैसों पे कमा के दूसरे को भी दे दिया और खुद ने ज्यादा कमा लिया, तो खुद के एफर्ट्स पे मेरे को पैसा मिल गया और दूसरे को रिटर्न भी दे दिया। तो डिबेंचर्स का भी कुछ ऐसा सही रोल होता है। कोई डिबेंचर्स जो होती है, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, अगर आपने बॉन्ड्स सुना हो तो बॉन्ड्स भी इसी के अंदर काउंट होते हैं। तो सर डिबेंचर और बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? डिबेंचर और बॉन्ड्स में डिफरेंस बस इतना सा होता है कि जो डिबेंचर होते हैं, ठीक है, वो आपके पार पे इशू करे जाते हैं या फिर प्रीमियम पे इशू करे जाते हैं या फिर डिस्काउंट पे भी इशू करे जा सकते हैं, और उसके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। मगर जो बॉन्ड्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू करा जाएगा और पार पे रिडीम करा जाएगा। मतलब हमने 100 रुपए का बॉन्ड है, 1000 रुपए का बॉन्ड है, वो मैंने 800 में इशू करके आपको 1000 रुपए दे दिए, तो जो इसका डिफरेंस है ना वही इसका ब्याज हो गया। मतलब जो इसका डिफरेंस है वो इसका ब्याज हो गया, तो मुझे हर साल आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर डिबेंचर्स के केस में हर साल हम लोग को क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इनके अंदर कैटेगरीज भी बहुत सारी होती है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, ठीक है। अभी हम आज हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर? डिबेंचर इज अ डेट, डिबेंचर इज अ लोन, ठीक है, ऑन दी कंपनी। बस ये लोन जो डिफरेंस है ना इसका ये है कि जैसे जो लोन होता है ना वो अपन किससे लेते हैं? बैंक से ले लेते हैं। तो एक जने से लोन ले लिया, दो बैंकों से लोन ले लिया। यहां पे जो लोन है वो हमने लिया है पब्लिक एट लार्ज से। किससे लिया है? पब्लिक एट लार्ज से, बहुत सारे लोगों से लिया है। तो बहुत सारे लोगों से, जैसे अपन उनको शेयर्स इशू करते हैं ना, वैसे ही अपन ने बहुत सारे लोगों को एक तरीके से डेट, वो क्रेडिटर बना दिया हमारे लिए एक तरीके से। बहुत सारे लोगों से हमने उधार ले लिया। ये होता है डिफरेंस किसके बीच में, ठीक है, डेट और इक्विटी के बीच में। ये होता है डिबेंचर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब चालू करते हैं डिबेंचर्स के बारे में थोड़ी और बातें कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैसे हो सकता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है चार तरीके से। कितने तरीके से? चार तरीके से। देखो इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 5 बातें होती है। कितनी बातें होती है? 5 बातें। बस इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 5 बातें हैं, 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स खत्म, चैप्टर खत्म। जो टॉपिक नंबर 1 है ना इस चैप्टर का, वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। पहला तो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। दूसरा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। तीसरा आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। और लास्ट आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाइल डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाइल डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये बड़ा सा नाम दे रखा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाइल डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और मैं इसे छोटा सा नाम देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है LOI to POR। बस मैं इस टॉपिक को LOI to POR बोलता हूँ, आप लोग भी इस टॉपिक को LOI to POR बोलना, काम खत्म। काफ़ी अच्छा ईजी काम हो जाएगा अपने लिए, LOI to POR, खत्म बात, जस्ट कॉल इट एज LOI to POR। और एक होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये हो गए चैप्टर के सारे टॉपिक्स खत्म। फॉर कैश, अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर वाइल डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, LOI to POR बोलते हैं इसको।
मतलब एक बात बता देता हूँ मैं, ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, ये तो है सेम एज शेयर्स, सेम एज शेयर्स। तो आपने शेयर्स में दोनों टॉपिक पढ़ लिए, शेयर्स में अपन ये दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो सर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे अभी रिवाइज, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। हाँ, रिडम्पशन डिलीटेड है बेटा, रिडम्पशन डिलीटेड है, बट ये इशू का ही पार्ट है। ये रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये इशू ही कर रहे हैं। बट ये लिखा है व्हाइल डिसाइडिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर्स, तभी तो मैंने इसका नाम दे दिया एलओआई टू पीओआर। तो आप लोग के दिमाग में हो सकता है कन्फ्यूजन आ जाएगी, सर रिडम्पशन तो है नहीं, तो भाई रिडम्पशन कर भी नहीं रहे इधर, मगर रिडम्पशन 10 साल बाद करेंगे, उसकी तैयारी आज कर रहे हैं। रिडम्पशन 10 साल बाद करेंगे, तैयारी आज कर रहे हैं। जैसे आप हुए, आपके होते ही पेरेंट्स ने सोचा कि इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भेजूंगा पढ़ाई करने के लिए, तो आज से ही इसके लिए पैसे इकट्ठा करना चालू कर देता हूं। तो आपके पापा ने क्या किया, आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपके लिए पैसे इकट्ठा करना चालू कर दिया। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि 20 साल बाद इसकी पढ़ाई के लिए हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक बैंकर से बात करी, बोले 20 साल के लिए ऐसा कोई फंड बताओ, इस तरीके का बताओ, ताकि 20 साल बाद मुझे, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए मिल जाए फॉर एग्जांपल। तो उसने कहा कि सर ज़्यादा नहीं, आप 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चालू कर दो इस फंड में, आपको 50 लाख आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अब वो आपके लिए 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके 50 साल के बाद आपको कितने, वो 10 साल के बाद आपको 20 साल, जब आप 20 साल के हो जाओगे तो 50 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो लाइक दैट, कि आपने तैयारी पहले दिन ही कर दी 50 साल 20 साल आगे की, समझ आया। तो 50 लाख की तैयारी पहले से चालू कर दी, थोड़ा सा वैसे से समझो कि ये शुरुआत करी है, कब के लिए, 20 साल आगे के लिए, 10 साल आगे के लिए। तो यहाँ पे जो डिबेंचर्स का क्या करा जाएगा, रिडम्पशन करा जाएगा, वो तो 10-15-20 साल बाद करा जाएगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है, मगर मैंने तैयारी आज से चालू कर दी है रिडम्पशन के लिए। तो ये वो वैसा सा टॉपिक है, ओके, कि रिडम्पशन के लिए तैयारी आज से चालू कर दी है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं इश्यूअर डिबेंचर्स फॉर कैश, इश्यूअर डिबेंचर्स अदर देन कैश, और ये जो है अदर देन कैश, ये क्या है, सेम एज शेयर्स है। पहला टॉपिक चालू करेंगे, टॉपिक नंबर 1 है अपना इश्यूअर डिबेंचर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। यहां पे हम लोग डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं फॉर कैश के लिए, कैश के लिए डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं। सो हेयर वी आर इशूइंग डिबेंचर्स फॉर कैश, ठीक है, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं फॉर कैश के लिए। अब अगर आप डिबेंचर्स को इशू करते हैं कैश के लिए, तो इसकी क्या एंट्रीज होगी, कैसे एंट्रीज होगी, उसके बारे में जरा बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारे सामने इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, जहां पे हमको डिबेंचर्स इशू करने हैं कैश के लिए, किसके लिए, कैश के लिए डिबेंचर्स को इशू करने हैं, मतलब पैसा मिलेगा हमें जो अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 बातें आती है। इशू आप कर सकते हो इन लमसम, आप लमसम में डिबेंचर इशू कर सकते हो, और आप कर सकते हो इन इंस्टॉलमेंट्स, आप इशू कर सकते हो लमसम में या इशू कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो आप यहां पे इशू कर सकते हो लमसम में या फिर आप इशू कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, आपके पास दोनों ऑप्शन है। यू आर अवेलेबल विद बोथ द इंफॉर्मेशन, बोथ द थिंग्स, आप आराम से मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको नहीं रोकने वाला यहाँ पे, ठीक है। या तो आप इश्योर डिबेंचर्स करोगे लमसम में या इश्योर डिबेंचर्स करोगे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, बराबर। तो इश्योर डिबेंचर्स या तो होगा लमसम में या होगा इंस्टॉलमेंट्स में। तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में आप डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हो, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पे इश्यू और डिबेंचर्स अपन समझेंगे लमसम, इंस्टॉलमेंट्स नहीं समझेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स एग्जैक्टली शेयर्स जैसा है वो आता नहीं है। इंस्टॉलमेंट एग्जैक्टली शेयर्स जैसा है, जैसे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एग्जैक्टली शेयर्स के जैसा है, बस शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड यूज कर दो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इन लमसम अपने को समझना जरूरी है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम में समझेंगे कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड
ठीक है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड, डिबेंचर्स कैन बी इशूड, आप डिबेंचर को इशू कर सकते हो एट पार, डिबेंचर को आप इशू कर सकते हो पार पे एट प्रीमियम, तो डिबेंचर को आप इशू कर सकते हो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो डिबेंचर के साथ ये सीन है कि क्योंकि डिबेंचर एक लोन है तो लोन को आप इशू कर सकते हो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे, मतलब इक्विटी शेयर के साथ में हमारे साथ 1% पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वहां पे हम इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर दें। ठीक है, इक्विटी शेयर पे या तो पार पे इशू होगा या प्रीमियम पे इशू होगा, मगर डिबेंचर के केस में डिबेंचर इशू हो सकता है एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, तीनों लेवल्स पे इशू किया जा सकता है, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे, तीनों पे इशू करा जा सकता है डिबेंचर्स को। तो हियर डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, डिबेंचर्स को आप इशू कर सकते हो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे। पार का मतलब क्या हो गया भाई, पार का मतलब हो गया 100 का डिबेंचर 100 में, प्रीमियम का मतलब हो गया 100 का डिबेंचर 110 में फॉर एग्जांपल, ठीक है, और डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 का डिबेंचर 90 में। अब जैसे शेयर के लिए जब कुछ नहीं दे रखा होता तो शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए अज्यूम करनी होती है, वैसे ही डिबेंचर के लिए अगर कुछ नहीं दे रखा तो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज अज्यूम करेंगे। तो इसकी क्या एंट्रीज होगी, तो इसकी एंट्रीज होगी फॉर एग्जांपल अगर आपने डिबेंचर को इशू करा, ठीक है, लेट्स से कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है, एट पार, पार मतलब 100 रुपए पे, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ, एट ए प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम पे, और तीसरा केस है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट पे इशू करें। अब ये तीन केसेस आपके सामने हैं, इनके एंट्रीज पास करते हैं, इनके एंट्रीज पास करेंगे। ओके, तो 10,000 डिबेंचर्स हैं, पार पे इशू करना है, प्रीमियम पे इशू करना है, डिस्काउंट पे इशू करना है। पहले आते हैं अपना केस नंबर वन, केस वन जिसमें अपन डिबेंचर कर रहे हैं इशू एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। यहां पे अपन पार पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, किस पे, पार पे, मतलब सेम, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी इज स्टॉपिंग अस, ठीक है, अपन यहाँ पे डिबेंचर, ठीक है, 100 का डिबेंचर 100 में इशू कर रहे हैं, ठीक है, 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। अब देखो यार, डिबेंचर्स जो आप इशू कर रहे हो 10,000 डिबेंचर्स, उसके आगे उसकी रेट लिखी होगी, लेट से उसकी रेट लिखी हुई 9%, डिबेंचर के आगे उसकी कूपन रेट हमेशा लिखी हुई होती है। सर ये कूपन रेट क्या होती है, देखो यार कूपन रेट का मतलब होता है एक तरीके से इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके आगे उसका कूपन रेट इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, मतलब इसको साल का इतना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे डिबेंचर्स पे ऊपर 9% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो सर हर डेट इंस्ट्रूमेंट के आगे रेट लिखी होती है, हर डेट इंस्ट्रूमेंट के आगे रेट लिखी होती है, वेदर इट इज ए बॉन्ड, वेदर इट इज ए डिबेंचर, ठीक है, या और कोई भी सिक्योरिटी है जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होती है, उसके आगे भी लिखी होती है, जिनकी रेट जो फिक्स्ड होती है, जिनका इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड रेट, कुछ भी फिक्स्ड होता है, उसके आगे उसका रेट लिखा होना जरूरी है। अब जैसे इक्विटी शेयर्स के आगे तो रेट नहीं लिखा होता क्योंकि उसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता, कभी कंपनी ज्यादा दे सकती है, कभी कंपनी कम डिविडेंड दे सकती है, और हो सकता है लॉस के केस में तो डिविडेंड दे ही ना, अगर लॉस के केस में डिविडेंड नहीं दिया तो उसके आगे डिविडेंड का रेट लिखना जरूरी है, नहीं है भाई, वो डिसाइड करा जाएगा शेयर होल्डर्स के थ्रू, ठीक है, कंपनी की एजीएम में, लास्ट में जब कंपनी की सारे के सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी तब डिसाइड करा जाएगा, तो वो तो एनुअल होगा डिसीजन, तो यहां पे बिल्कुल भी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बाकी प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, कोई भी तरीके के बॉन्ड्स हो गए, सबके आगे उनका कूपन रेट और उनका इंटरेस्ट रेट लिखा होना जरूरी है, लिखा होता है, लिखा होना जरूरी है, लिखा होता है। अब जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे 9% डिबेंचर्स है, तो यहाँ पे इसका रेट लिखना जरूरी है टू 9% डिबेंचर, क्योंकि हम लोग लमसम इशू कर रहे हैं, तो लमसम में एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक अकाउंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्विटी शेयर डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा, 10,000 100 रुपए पे, तो 10,000 × 100 कितना होता है, 10,00,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये पहली एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये पहली एंट्री आ जाएगी इसकी, बरोबर।
और दूसरी एंट्री आएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। बस सुनो, इसमें कैपिटल वैपिटल नहीं लिखते, डिबेंचर्स अपने आप में कैपिटल होता है, 9% डिबेंचर्स। बस ये डिबेंचर के आगे उसका कूपन रेट लिखा होना जरूरी है, ध्यान रखने की बात है। सर क्या वर्ड यूज करा? कूपन रेट, कूपन मतलब इंटरेस्ट, और सर प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जो लिखा होता है वो उसका डिविडेंड रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स भाई, प्रेफरेंस शेयर्स है ना, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो सर डिविडेंड और इंटरेस्ट में फर्क, डिविडेंड जो होता है वो टैक्स के बाद लगता है और इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स से पहले लगता है। मतलब एक पॉइंट पे टैक्स काटना पड़ता है अपने को प्रॉफिट में से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसके नीचे डिविडेंड। इसलिए तो सर ज्यादा फायदा किसमें होता है? देखो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो ज्यादा फायदा तो डेट में ही होता है। गो फॉर डेट। अडानी क्यों उत्तर रिच हो रहा है? क्योंकि ही इज हैविंग डेट। अगर ये सब कुछ इक्विटी होता तो अडानी की ओनरशिप कम हो जाती। आप खुद सोचो ना, अडानी की ओनरशिप कम हो जाती, उसको हिस्सेदारी दूसरों को देनी पड़ती, ओनरशिप दूसरों को देनी पड़ती इस पैसों के लिए। समझ आ गया? तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, केस खत्म। ओके, हाँ जी, किसी को डाउट है जल्दी से बताओ। एक डाउट आया, इसमें कैपिटल होता है, कैपिटल कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, डेट ही है ना। चलिए दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू देखना, यहां पे क्या लिखा है, इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट 20% प्रीमियम। अब ये प्रीमियम जो है ना, मतलब हम महंगे में डिबेंचर्स दे रहे हैं, मतलब हमारी कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा है, हमारी कंपनी की वर्थ बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे डिबेंचर महंगे में दे रहे हैं। तो 20% प्रीमियम मतलब कितने का हो गया, 120 का शेयर हो गया, 120 का डिबेंचर हो गया। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आएगा? अब क्योंकि यहाँ पे 10,000 डिबेंचर्स है 120 पे, क्योंकि 20% पे इशू कर रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? 12 लाख, 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपए आ जाएंगे यहाँ पे, 12 लाख रुपए आ गए यहाँ पे। अब डिबेंचर्स का क्या करना है? यहाँ पे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये वैसे ही के वैसे ही है जैसा अपन ने इक्विटी वाले में पढ़ा था ना, जैसा अपन ने इक्विटी वाले में पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया सा मिल रहा है, ये वैसा सही है। 12 लाख रुपए यहाँ जाएंगे, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं और 2 लाख रुपए का SPR आ जाएगा। 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, 2 लाख का SPR आ जाएगा, 10 लाख के डिबेंचर्स, 2 लाख का SPR, 10 लाख के डिबेंचर्स, 2 लाख का SPR। SPR मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो हमने कहाँ देखा था, जो हमने इक्विटी में पढ़ा था, वैसा का वैसा ही है SPR। डन। चलिए नेक्स्ट आएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखना जरा। अब केस नंबर 3 में क्या हो रहा है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम एट डिस्काउंट ऑफ 10%, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट,
डिबेंचर्स को इशू करना है 10% डिस्काउंट पे, डिबेंचर्स को इशू करना है किस पे, 10% डिस्काउंट पे, इशू और डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे अपन डिबेंचर इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, तो क्या आएगा इसके अंदर? अब देखो ये जो भी डिस्काउंट होता है या प्रीमियम होता है वो सिर्फ इस एंट्री में ही आता है, यानी कि आपने जो डिबेंचर है 100 रुपए का 90 रुपए में इशू कर दिया, कितने में इशू कर दिया 90 रुपए में, 100 का डिबेंचर था बट आपने 90 रुपए मांगे, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 29% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और सस्ते में डिबेंचर इशू कर दिया, मतलब वो बॉन्ड वाला फीचर भी डाल दिया इसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज। अब ये जो है ना अगली जो एंट्री होगी उस अगली एंट्री के अंदर ही इस डिस्काउंट को शो करा जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि यहीं पे दे रहे ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 29% डिबेंचर्स, 29% डिबेंचर्स, और यहां पे कितना आएगा, डिबेंचर है अपने 9 लाख के, 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया, सो डिबेंचर्स कितने के थे, 10 लाख के थे, डिबेंचर 10 लाख के थे, तो 10 लाख के डिबेंचर्स पे हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है कितने का, 10 लाख के डिबेंचर्स पे हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है 1 लाख रुपए का, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स 10 लाख रुपए, कंप्लीट, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, फॉर कैश इशू हो रहा था ये, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट फॉर कैश, ये फॉर कैश का सीन था, बस ये 3 केसेस के अलावा चौथा कोई केस नहीं है इसके अंदर, ये टॉपिक ही खत्म हो गया, फॉर कैश लमसम का, फॉर कैश लमसम का, फॉर कैश इंस्टॉलमेंट्स का खत्म नहीं हुआ, फॉर कैश इंस्टॉलमेंट्स जो है वो सेम एज इक्विटी होता है, तो एक्चुअली उसके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, क्योंकि अगर उनको बड़ा 8 नंबर का क्वेश्चन देना होगा तो वो इक्विटी से देंगे ना, वो इस चैप्टर से क्यों ही देंगे, ठीक है, बुक के अंदर भी आप देखोगे तो 2 से 3-4 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, तो इसलिए क्या है जनरली इसके ऊपर छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, इसका जो वेटेज है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो यही है कि यार 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बस उसी का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इससे। ओके, तो भाई ये क्या हो गया, इश्यू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, पहला टॉपिक कंप्लीट, डन विद दिस, ठीक है, इन लमसम अपन ने पूरा कर दिया है। ओके, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कैश, अब बात करते हैं अदर देन कैश के बारे में, किसके बारे में, अदर देन कैश के बारे में, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, टॉपिक नंबर 2, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, अब आपको ये तो पता लग गया कि डिबेंचर्स को अपन डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करा जा सकता है, तो यहां पे भी डिस्काउंट पे इशू करा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, हाँ आराम से ला सकते हो भाई, अभी से भी जिसने अभी से भी पढ़ाई चालू करा है वो भी 100 में से 100 ला सकता है, ठीक है, आराम से ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने अभी से पढ़ाई करना चालू करा है वो भी 100 में से 100 ला सकता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर देन कैश, अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, देखो भाई अदर देन कैश का मतलब जैसे अपन ने किसी का बिजनेस खरीद लिया या कोई एसेट एक्वायर कर ली और डिबेंचर्स दे दी उसकी जगह पे, ठीक है, सामने वाले को अपन ने एसेट्स दे दी, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल देखिए, आपने यहाँ पे मशीन खरीदी, मशीन परचेज करी है किसी, ठीक है, मशीन परचेज करी है 20 लाख रुपए की, कितने की, 20 लाख रुपए की मशीन परचेज करी है, ओके, किससे खरीदी है, वाई लिमिटेड से परचेज करी है, किससे परचेज करी है, वाई लिमिटेड से, इशूड डिबेंचर्स, इश्यूड डिबेंचर्स, एक काम करते हैं इसको 22 लाख कर देते हैं, इश्यूड डिबेंचर्स टू वाई लिमिटेड
एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे अपन क्या कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे, एट 10% प्रीमियम अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं वाई लिमिटेड को. सो वाई लिमिटेड को अपन 10% प्रीमियम पे डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है. वाई लिमिटेड को कितने पे, 10% प्रीमियम पे डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, बरोबर. 10% प्रीमियम पे डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं अपन वाई लिमिटेड को, तो कर देते हैं. तो इशू डिवेंचर्स टू वाई लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो वाई लिमिटेड से मशीन खरीद ली, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी इसकी, एंट्रीज क्या क्या होगी देखना. सबसे पहले एंट्री होगी मशीन अपनी एसेट है, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अपन ने खरीद ली टू वाई लिमिटेड. किससे खरीदी, वाई लिमिटेड से मशीन खरीदी अपन ने 22 लाख रुपए की, मशीन अकाउंट डेबिट 22 लाख रुपए. वाई लिमिटेड को पेमेंट देने का टाइम आ गया, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कितना परसेंट डिवेंचर्स है, ठीक है, इशूड यहां पे लिख देते हैं 12% डिवेंचर्स, मतलब एक तरीके से 12% डिवेंचर्स है. तो 12% डिवेंचर्स, और क्योंकि प्रीमियम भी इशू कर रहे हैं तो 2 SPR आ जाएगा. तो सर डिवेंचर के ऊपर प्रीमियम भी SPR, इक्विटी के ऊपर प्रीमियम भी SPR, हाँ वो दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स हैं. डिवेंचर के ऊपर हो चाहे इक्विटी के ऊपर हो, प्रीमियम प्रीमियम है और वो एक ही जगह पे जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स के पास ही जाना चाहिए, मतलब डायरेक्टली कंपनी के पास ही जाना चाहिए. ओके सर, क्या कंपनी उसको एज अ डिविडेंड दे सकती है, नहीं दे सकती, वो कंपनी का नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, कंपनी उसको कभी बांट नहीं सकती है. कंपनी सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट्स बांटेगी जो कंपनी के नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जिसको कंपनी बांट सकती है, इसको प्रॉफिट का, इस प्रॉफिट को कंपनी बांट नहीं सकती है किसी भी कंडीशन में, ठीक है सर. वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 22 लाख हमें वाई लिमिटेड को देना है. अब सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे, 22 लाख डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप यहाँ पे कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो, डिबेंचर 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है, आई कांट सी इट. तो सिंस यहाँ पे डिबेंचर की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, यू कांट सी इट, इसका मतलब डिबेंचर की वैल्यू होगी 100 रुपए और 10% प्रीमियम, मतलब आप उसको 110 पे इशू कर रहे हो. कितने पे इशू कर रहे हो, 110 पे, बट ऑब्वियस आप उसको 110 पे इशू कर रहे हो क्योंकि डिबेंचर की हम लोग वैल्यू कितनी मानेंगे, 100 रुपए मानेंगे और 10% प्रीमियम पे, मतलब 110 पे इशू कर रहे हैं. तो ये गया यहां से आ जाएंगे कितने, 11 से गया 20,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो भाई 20,000 डिबेंचर्स आ गए. 20,000 डिबेंचर्स 100 रुपए का, 20 लाख रुपए होता है. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करे अपन ने 20,000 इंटू, ठीक है, 20,000 इंटू 100 और प्रीमियम आ जाएगा 2 लाख रुपीज का, ठीक है, जो कि आएगा 20,000 इंटू, ठीक है, इंटू 10, 10 रुपए का प्रीमियम है ना, बस ये हो गया खत्म. डन. ये हो गया खत्म पूरा. अब इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखना इसका. आपने क्या किया, एक्वायर कर लिया, एक्वायर रनिंग बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड. आज जेड लिमिटेड का रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, जेड लिमिटेड का रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हो फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 45 लाख. 45 लाख रुपए में हम इसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, टू बी पेड रुपीज 12 लाख बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 11% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन कि भाई आपने रनिंग बिजनेस खरीद लिया किसका, जेड लिमिटेड का,
जेड लिमिटेड का आप बिजनेस खरीद रहे हो, ओके, और परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड करा आपने, 45 लाख रुपीज, कि 45 लाख रुपए में हम तेरा बिजनेस खरीद रहे हैं, टू बी पेड रुपीज 12 लाख, 12 लाख रुपए हम आपको पे करेंगे बाय वे ऑफ बैंक ड्राफ्ट, 12 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट, मतलब सर अरे कुछ नहीं चेक दे देंगे, 12 लाख बैंक से ट्रांसफर, एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ बैलेंस है वो 11% डिवेंचर इशू करेंगे 10% के प्रीमियम पे, कितने के प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे। अब क्या एंट्रीज करनी है इसकी, तो देखना, अब आप सबसे पहले एंट्री से पहले तो ये देखो क्या क्या खरीदा, तो आपने एसेट्स एक्वायर करी, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग को 20 लाख कर देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख, फिक्सर्स एंड फर्नीचर ले लेते हैं अपन 7 लाख रुपए के, डेटर्स ले लो 5 लाख रुपए के, कितना हो गया 35, 42 हो गया, 42 स्टॉक ले लेते हैं 8 लाख रुपए का, तो कितना हो गया 35, ठीक है 42, 50, 50 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, और क्रेडिटर्स हैं इसके लेट्स से 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं, बस ये दे रखा है आपको। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया कि आपने रनिंग बिजनेस खरीद लिया, किसका, इस पर्सन का रनिंग बिजनेस खरीद लिया आपने, ठीक है, कौन है ये, जेड लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड करा, 45 लाख, 45 लाख रुपए में खरीद रहे हो, 12 लाख रुपए तो पे करना है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, बैंक के थ्रू चेक दे देंगे, पकड़ा देंगे 12 लाख रुपए का, और जो बाकी का जो बचा हुआ है उसके लिए डिबेंचर इशू करना है 11%, ठीक है, डिबेंचर्स 10% प्रीमियम पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 15 लाख, फिक्स्चर फर्नीचर 7 लाख का, डिबेंचर्स हैं बोले डेटर्स हैं कितने के 5 लाख के, स्टॉक कितने का 8 लाख का, क्रेडिटर्स कितने के 3 लाख के। अब क्या एंट्री पास करनी है इसकी, देखिए, तो जब आप रनिंग बिजनेस खरीदते हैं ना किसी पर्सन का, जैसे कि आपने जेड लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीद लिया, तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन 45 लाख डिसाइड हो चुकी है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये सारी की सारी एसेट्स ले जाओ, तो यहाँ पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, 20 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली आपने, फिर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, वो कितने का खरीदा, 15 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली आपने, 15 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्चर्स एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और वो कितने का खरीद लिया आपने, 7 लाख रुपए का खरीद लिया, फिर डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, वो कितने का खरीदा आपने, 5 लाख रुपए का खरीदा, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, वो कितने का खरीदा, 8 लाख रुपए का खरीद लिया, टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने के, 3 लाख रुपए के। अब परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड करा, तो 2Z Limited आपने डिसाइड करा कि आप Z लिमिटेड को 45 लाख रुपीज दोगे, कितने दोगे, 45 लाख रुपीज। अब जरा चेकआउट करो कि किस में डिफरेंस आ रहा है, ये कितना है, ये डिफरेंस आ रहा है क्या, जहां पे परचेज कंसिडरेशन दे रखा होता है ना वहां पे देर कुड बी ए चांस ऑफ डिफरेंस, अगर ऊपर की तरफ डिफरेंस आता है तो उसे गुडविल बोल देते हैं, नीचे की तरफ डिफरेंस आता है तो उसे कैपिटल रिजर्व कह देते हैं, तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि डिफरेंस कहाँ रहा है, ये कितना है 35, ठीक है 35 और 7 42, 42 और 5 नहीं 35 और 7 42, 42 और 5 कितना हो गया 47 और 8, एक सेकेंड रुको, हाँ 47 और 8 कितना हो जाएगा 55 के बाद क्रेडिटर्स कितने के हो गए 3 लाख के, तो क्रेडिटर्स 3 लाख के ज़्यादा हो जाएगा 55, एक काम करते 13 लाख कर देते हैं, 13 लाख करने से 55 का 45 हो जाएगा, 55 में तो हाँ 13 लाख कर दो क्रेडिटर्स। अब देखो तो 55 में से 3 गए तो 52 और 52 और 10 लाख और गए तो 42, तो यानी कि आप नेट असेट्स कितने की ले रहे हो 42 की, नेट असेट्स कितने की आई आपके पास 42 लाख की, चेक कर लो इसको 35, 7, 42, ठीक है और 47 और 8 55 हो गया ना 55 लाख की आपने एसेट्स खरीदी, 3 लाख माइनस कर दो 52 और 42, और 42 के लिए आप 45 लाख पे कर रहे हो, यानी क्या आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड, और गुडविल आ जाएगी कितने की 42 के लिए 45, 3 लाख रुपए की, चेक करके बताओ यही आ रहा है क्या जल्दी से,
55 लाख तो डेबिट हो गया, 55 लाख तो डेबिट में आ गया, 58 हो गया तो 3 लाख आ गया। तीन लाख की गुडविल आ गई, ठीक है भाई। तो आपने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, 3 लाख रुपए की गुडविल है इसकी, ठीक है। और जेड लिमिटेड को 45 लाख रुपीज देने, 12 लाख तो देने बैंक ड्राफ्ट से, बाकी का देना अपने को डिबेंचर्स इश्यू करके। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट कैसे जाएगा, जेड लिमिटेड टू बैंक, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो जेड लिमिटेड टू बैंक अपन ने कितने दे दिए, जेड लिमिटेड टू बैंक अपन ने दे दिए जेड लिमिटेड को कितने थे, 12 लाख रुपये ना, 12 लाख रुपये तो बैंक से दे दिए। और अब डिबेंचर इशू करने हैं, तो अब डिबेंचर इशू करने की एंट्री हो जाएगी जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, 33 लाख देने, प्रीमियम पे देने, तो 2 11% डिबेंचर्स, 2 SPR। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा आपका 33 लाख डिवाइडेड बाय, 33 लाख को डिवाइड करेंगे कितने से, 33 लाख को डिवाइड करेंगे कितने से, 110 से, ठीक है। ये आ जाएगा 30,000 डिबेंचर्स आ जाएगा। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपये, तो 30 लाख तो ये हो जाएगा, 30 लाख तो ये हो जाएगा, और प्रीमियम आ जाएगा 3 लाख का। बोलो भाई, खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट है क्या? प्रीमियम भी आ गया, गुडविल भी आ गई, बैंक भी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर। डन, चलो वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो। अब तीसरे टॉपिक में मूव करेंगे, हम तीसरे टॉपिक में मूव करने वाले हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश का भी अपन ने टॉपिक निपटा दिया। अब पहले ये वाला टॉपिक करवा रहा हूं, उसके बाद में ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। दिस टॉपिक इज अबाउट प्रेजेंटेशन, दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन, दिस टॉपिक इज अबाउट प्रेजेंटेशन। लेट्स डू दिस LOI टू POR वाला, LOI टू POR वाला। अब आपके पता एग्जाम के अंदर डिबेंचर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ज्यादातर टाइम से जो क्वेश्चंस आते हैं ना डिबेंचर से, वो आते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब एक ऐसा डिबेंचर का क्वेश्चन बना के देंगे ये लोग, उस डिबेंचर के क्वेश्चन के अंदर आपको, ठीक है, आपको बताएंगे कि आपने डिबेंचर कोलेटरल, मतलब चारों मिक्स करके दे देंगे, ये चारों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में डाल के दे देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 3 टॉपिक डाल के दे दिए उन्होंने। तो जनरली इस तरीके का काम ये लोग करते हैं, ओके, जनरली इस तरीके का काम ये लोग करते हैं कि लोग एक ही साथ में डबल डबल टॉपिक्स मिक्स करके, ट्रिपल टॉपिक्स मिक्स करके दे देते हैं। अब सबसे पहले अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है LOI टू POR। अब मैं LOI टू POR का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि इशू ऑफ डिबेंचर्स डिसाइडिंग वाइल डिसाइडिंग द टर्म्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये टॉपिक का नाम है वैसे तो पूरा, पर इसके इतना लिखने की जरूरत नहीं है, LOI टू POR लिख देते हैं। अब LOI का मतलब होता है लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, LOI का मतलब होता है लॉस ऑन इशू, और POR का मतलब होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। LOI का मतलब होता है लॉस ऑन इशू और POR का मतलब होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के मायने क्या है, इसका मतलब क्या है और काम कैसे चलता है, उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो क्या है, अपन है प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है समझदार इंसान, प्रूडेंट मतलब समझदार। समझदार इंसान क्या करता है, समझदार इंसान जो प्रूडेंट पर्सन होता है वो फ्यूचर में होने वाले लॉस की तैयारी प्रेजेंट में ही कर लेता है। क्या कर लेता है? फ्यूचर में होने वाले नुकसान की तैयारी या फ्यूचर में होने वाले खर्चे की तैयारी प्रेजेंट में ही कर लेता है। तो वही हम लोग यहां पे करने वाले हैं कि हम लोग जो रिडम्पशन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, रिडम्पशन के टाइम पे जो आपको प्रीमियम देंगे, रिडम्पशन 10 साल बाद करेंगे, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, उसके लिए तैयारी हमने इशू के टाइम पे ही कर ली है, उसकी तैयारी हमने इशू के टाइम पे ही कर ली है। तो हम लोग इशू के टाइम पे ही उसको खर्चा मान के, ठीक है, आपको रिडम्पशन के टाइम पे कर देंगे। तो यहां पे ये रिडम्पशन का टॉपिक नहीं है भाई, ये है तो इशू का ही टॉपिक,
बट ये तैयारी कर रहा है फ्यूचर में होने वाले लॉस की। तो ये यही बोल रहा है कि जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसकी तैयारी अपन क्या कर रहे हैं, उसकी तैयारी अपन ठीक है आज से ही कर रहे हैं। तो फ्यूचर में होने वाले लॉस की तैयारी प्रेजेंट में ही करना, इसको कहते हैं LOI to POR। तो LOI to POR सर क्यों वर्ड यूज करा जा रहा है, क्योंकि इसी को एंट्री में डालना है। अब चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। केस नंबर वन देखना, केस वन, टोटल छह केसेस में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। छह केसेस हैं आपके सामने, केस टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, टोटल देर आर सिक्स केसेस जो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पहला केस है इशू प्राइस है, इशू प्राइस है एक डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर है, ठीक है। 1000 डिबेंचर को कॉमन इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए 1000, ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 और नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, ओके, जो छह के छह केसेस में लगेगी। तो इश्यू प्राइस है 100, इश्यू प्राइस आईपी मतलब आईपी स्टैंड्स फॉर इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस एंड आरवी स्टैंड्स फॉर रिडम्पशन वैल्यू, आरवी स्टैंड्स फॉर रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन करना नहीं है भाई तुम्हें, रिडम्पशन करना नहीं है तुम्हें, अभी खत्म नहीं करना रे, तैयारी करनी है बस उसकी, ठीक है। तो इश्यू प्राइस 100, रिडम्पशन वैल्यू 100, पहला केस। केस नंबर टू, इश्यू प्राइस 90, रिडम्पशन वैल्यू 100। तीसरा केस, इश्यू प्राइस 110, रिडम्पशन वैल्यू 100। ये तीन केसेस तो हो गए जहां पे रिडम्पशन 100 100 100 चल रहा है। अब केसेस देखना, इश्यू प्राइस 100, रिडम्पशन वैल्यू 110, फिर इश्यू प्राइस 90, रिडम्पशन वैल्यू 110, और तीसरे केस में इश्यू प्राइस 110, रिडम्पशन वैल्यू 120। ये जो तीन केसेस है ना, एक्चुअली में हमारा सारा काम इसी पे है, मतलब हमारे लिए टॉपिक यही है, जहां पे रिडम्पशन की वैल्यू जो है वो पार पे नहीं है, रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, मतलब 100 का डिबेंचर जब पेमेंट जा रहा है तो 100 के डिबेंचर के ऊपर मैं आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या कहते हैं इसे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखिए पहला केस चालू करते हैं, केस वन। केस वन क्या है, इश्यू प्राइस है 100, रिडम्पशन वैल्यू है 100 और डिबेंचर्स कितने हैं 1000, डिबेंचर 1000 है ना, डिबेंचर 1000 है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी आपकी, डिबेंचर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इश्यू प्राइस कितनी अज्यूम करिए आपने, 100 रुपए अज्यूम करिए ना इश्यू प्राइस, 100 रुपए, और रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी अज्यूम करिए 100 रुपए, तो 1000 डिबेंचर इंटू 100 कितना हो जाएगा 1 लाख, इश्यू प्राइस ये आ गया 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स 1 लाख 1 लाख, और इसका खेल खत्म हो गया भाई, इसका एज इट इज खेल खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा इसमें, केस नंबर वन खत्म, वी आर डन विथ केस नंबर वन, इसके साथ आपका केस नंबर वन कंप्लीट हो चुका है। जिन जिन के स्टेट बोर्ड में रिडम्पशन वाला चैप्टर आ रहा है मेरे को बता देना, मैं उनको अलग से करवा दूंगा, ठीक है, वी विल डू इट सेपरेटली। सो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिनके स्टेट बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा, तो मेरे को इन्फॉर्म रखना, कीप मी इन्फॉर्म, ठीक है, आई विल लेट यू नो।
ये हो गया पहला वाला केस कंप्लीट। सेकंड केस देखो, इश्यू प्राइस कितनी है 90, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 100, इश्यू प्राइस 90, रिडम्पशन वैल्यू 100। केस टू, केस टू में क्या है, इश्यू प्राइस है 90, रिडम्पशन वैल्यू है 100, डिबेंचर्स तो वही 1000 ही है, सेम केस, डिबेंचर्स तो वही सेम 1000 ही है। चलिए देखिए, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने डिबेंचर्स हैं भाई, यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स हैं, 90 रुपये में इशू कर रहे हैं, यानी कि 90,000 में इश्यूज हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा, द अमाउंट विल बी 90,000, द अमाउंट विल बी 90,000, अमाउंट आ गया 90,000, और फिर आएगा 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू। अब क्योंकि आप इश्यू कितने पे कर रहे हो, इश्यू आप कर रहे हो कितने पे, डिबेंचर्स का इश्यू जो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 90 रुपये में हो रहा है, यानी कि 10% डिस्काउंट पे, तो यहाँ जाएगा डिस्काउंट ऑन, यहाँ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर्स, तो क्या आ जाएगा, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स, तो कितना आ जाएगा, 90,000 का डिबेंचर आपने इशू करा, 10,000 का डिस्काउंट है, और यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 का डिबेंचर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने डिबेंचर्स को, ठीक है, कितने पे इशू करा, 10% डिस्काउंट पे, हाँ एनपीओ भी आपको शॉर्ट में करवा दूंगा, जिन जिन का जिन जिन के एनपीओ आएगा और रिडम्पशन आएगा उनको शॉर्ट में मैं करवा दूंगा, एनपीओ एंड रिडम्पशन दोनों, बट हाँ ये ऑब्वियसली शॉर्ट में ही होगा ना, डोंट वरी, करवा दूंगा मैं आपको ये चीज़। केस नंबर टू हो गया, ठीक है, केस नंबर थ्री क्या है, लुक एट दिस केस नंबर थ्री, 110 और 100, 110 पे इशू कर रहे हैं, 100 पे रिडम्पशन है, केस नंबर थ्री, इशू प्राइस है 110 और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 100, तो यहां पे आ जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आ जाएगा, अब क्योंकि अपने को डिबेंचर 110 रुपये पे इशू करने, कितने पे इशू करने, 110 पे इशू करने हैं, 1000 डिबेंचर्स हैं, यानी कि आपने इसको 1,10,000 पे इशू कर दिया, कितने पे इशू कर दिया, 1,10,000 पे, ओके, रिडम्पशन वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ओ सॉरी रिडम्पशन पे तो है नहीं, तो 9% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स टू SPR, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,10,000 के डिबेंचर्स आपने इशू करें, 1,00,000 के डिबेंचर्स हैं और 10,000 का SPR आ गया, वी गॉट एन SPR ऑफ 10,000 रुपीज़, बोलो भाई फटाफट से, किसको डाउट है, जल्दी बताइए, सो बैंक अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू SPR, ये तो हो गया आपका केस नंबर थ्री, जहां पे रिडम्पशन जो हो रहा है वो 100 का 100 पे हो रहा है, मतलब पार पे रिडम्पशन हो रहा है, ओके ये है ना, ये अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, लेट्स मेक इट केस नंबर सिक्स एंड लेट्स मेक इट केस नंबर फाइव, मतलब पहले मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको ये करवाऊँ प्रीमियम और ये, फिर उसके बाद डिस्काउंट वाला, चलो केस नंबर थ्री देखो, केस नंबर थ्री में क्या कर रहे हैं अपन, यहां पे केस नंबर थ्री देखना,
सॉरी केस नंबर फोर पे आ गए। केस नंबर फोर, इश्यू प्राइस कितना है 100, रिडम्पशन वैल्यू अपन ने 110 डिसाइड करा, और डिबेंचर्स कितने हैं, डिबेंचर्स हैं यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स हैं। अब देखो इसकी इशू की एंट्री क्या है, आप एंट्री क्या करते हैं इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये 9% क्यों, मैंने अज्यूम करा है 9% इसलिए। ओके 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितना आ जाएगा 1,00,000 रुपए, 100 का डिबेंचर, 100 पे 1,000 डिबेंचर 100 पे इशू करें। अब 9% डिबेंचर, आप लिखने के बजाय पहले समझना एक बार सब लोग, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 1,00,000 रुपए एज इट इज आ गया, 29% डिबेंचर्स 1,00,000 रुपए के हैं एज इट इज आ गया। अब भाई क्योंकि हम लोग यहां पे इसका जो रिडम्पशन है, क्योंकि हम लोग यहां पे इसका जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है प्रूडेंट, प्रूडेंट इंसान मतलब समझदार इंसान, जो फ्यूचर में होने वाले लॉस की तैयारी आज ही कर लेगा। समझ रहे हो, फ्यूचर में होने वाले लॉस की तैयारी आज ही कर लेगा कि भाई मेरे बच्चे को मेरे को फ्यूचर में पढ़ाना है, मेरी बच्ची को मेरे को फ्यूचर में पढ़ाना है। आज से ही मैंने क्या किया, बैंक में पैसे जमा कराना चालू कर दिया, एफडी कराना चालू कर दिया, आरडी कराना, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट होता है, एफडी हो गया, आरडी हो गया, कुछ भी, मतलब मैं यहाँ पे पैसा बचा रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, 20 साल आगे के लिए, कि 20 साल बाद मेरे को चाहिए पैसा किस चीज के लिए, 20 साल बाद मुझे चाहिए, ठीक है, कि बच्चा पढ़ाई करेगा अगर, ठीक है तो उसको पढ़ा देंगे, पढ़ाई नहीं करा नालायक निकला तो बिजनेस करवा देंगे, और ज्यादा नालायक निकला तो शादी करा देंगे। पैसा तो चाहिए ना भाई, पैसा तो किसी ना किसी चीज में चाहिए, तो पैसा तो चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी है अभी से। तो उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, अच्छा कंपनी को तो शादी वादी करानी नहीं है, कंपनी को तो कुछ ऐसा काम करना नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है कंपनी यहाँ पे पैसे को यूज करेगी किसके लिए, ठीक है फ्यूचर की तैयारी करेगी प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए। तो आपको क्या करना है, आपने नॉर्मल एंट्री लिखनी है, इसके बीच में एलओआई टू पीओआर को घुसा दो। एलओआई टू पीओआर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एलओआई टू पीओआर ही चलेगा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो लॉस ऑन इशू एलओआई अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम और रिडम्पशन, टू प्रीमियम और रिडम्पशन, बस एलओआई टू पीओआर कितना आ जाएगा 10 रुपए ना, 10 रुपए, 10 यानी कि 10,000 एलओआई टू पीओआर, बस टॉपिक खत्म, केस खत्म, टॉपिक नंबर फोर खत्म, बस एलओआई टू पीओआर बीच में डाल दो और कुछ भी नहीं है। डन, कोई डाउट आउट है किसी को? अब केस नंबर फाइव देखो आप लोग, केस नंबर फाइव में अपन ने क्या अज्यूम करा, इश्यू प्राइस है 110 और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 120, ठीक है प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे रिडम्पशन, प्रीमियम पे ही इशू है, प्रीमियम पे ही रिडम्पशन है। अब क्या करें, प्रीमियम पे ही इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे ही रिडम्पशन कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आ जाएगा भाई, डिबेंचर्स कितने के हैं, डिबेंचर्स अपने ठीक है 1,000 डिबेंचर्स 110 पे इशू कर रहे हैं, तो 1,10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,10,000, क्या 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है इश्यू कितने पे कर रहे हैं 110 पे और रिडम्पशन कर रहे हैं 120 पे, इश्यू कर रहे हैं 110 पे ठीक है और रिडम्पशन कर रहे हैं 120 पे, तो यानी कि आपने इशू करा 110 पे, तो यानी कि आपके पास डिबेंचर्स कितने थे, आपके पास डिबेंचर्स थे 1,000 और 1,000 डिबेंचर्स को आप 110 पे इशू कर रहे हो, यानी कि 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो आपने 10% प्रीमियम पे लिख दिया। अब आपको सेम एंट्री करनी है जो आप करते हुए आते हो, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स और टू एसपीआर, वही सेम एंट्रीज है, कोई फर्क ही नहीं है एंट्रीज में भाई, कोई फर्क नहीं है, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं करा, एज इट इज लिख दिया ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,10,000 रुपए
110,000 9% डिबेंचर्स कितने के हैं? 1,00,000 के हैं। और एसपीआर में कितना जाएगा? 10,000 आ जाएगा। एसपीआर में कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, अब आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ व्हाट यू नीड टू डू इज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एलओआई टू पीओआर बीच में डालना है। तो एलओआई यहां जाएगा लॉस ऑन इशू, ठीक है, इशू के साथ, ठीक है, यहां पे कितना 20 रुपए ना, यानी कि 20% यानी कि 20,000 हो गया। और यहां पे आ जाएगा टू पीओआर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू पीओआर 20,000 आ जाएगा। तो एलओआई टू पीओआर आ जाएगा, खत्म बात। क्या आ जाएगा? एलओआई टू POR. So this will turns out to be your LOI to POR. ये कितना आ जाएगा? LOI to POR आ जाएगा. This will turns out to be your LOI to POR. और कुछ भी नहीं है, नई कहानी, LOI to POR आ जाएगा। हाँ जी बोलो। So here we can see that LOI to POR आ गया अपने पास। क्या आ गया? LOI to POR. LOI टू POR बीच में डाल दिया और कुछ भी नया नहीं करा, मतलब नॉर्मल एंट्रीज LOI टू POR को बीच में ऐड कर दिया मैंने। बोलो, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताओ सर। इसका PDF ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, इसका PDF ग्रुप पे भेज दूंगा पूरा। डन, ठीक है। अब मैंने एक केस, मैंने बोला था ना बीच में कि इसको ऊपर नीचे कर लो, ये देख लो। तो केस नंबर 5 हो गया, इश्यू प्राइस 110 और रिडम्पशन वैल्यू 120। अब करते हैं अपन इश्यू प्राइस 90 और रिडम्पशन वैल्यू 110। इश्यू प्राइस 90 और रिडम्पशन वैल्यू 110। देखिए केस नंबर 6 ले रहे हैं लास्ट इसका, और इसके साथ ये टॉपिक खत्म होगा। इसको ढंग से देखना, इश्यू प्राइस कितना है 90, रिडम्पशन वैल्यू कितना है 110, और डिबेंचर्स कितने हैं 1,000। डिबेंचर्स कितने हैं 1,000 के, 1,000 डिबेंचर्स हैं। नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं आप हमेशा? बैंक अकाउंट डेबिटेड। आपको हमेशा पहले नॉर्मल एंट्री पे फोकस करना है, ठीक है, पहले नॉर्मल एंट्रीज पे फोकस करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9% debentures application and allotment, bank account debit to 9% debentures application and allotment। फिर दूसरी एंट्री आपकी 9% debentures application and allotment account debited, 9% debentures application allotment account debited, 9% debentures application and allotment account debited, discount on issue of debentures, discount on issue of debentures to 9% debentures to, बस यही लिखते हैं अपन हमेशा डिस्काउंट पे। तो भाई अगर डिस्काउंट पे मैं डिबेंचर को इश्यू करता हूं तो कितना आ जाएगा? 90,000। ये 90,000, ये यहां भी 90,000 आ जाएगा और यहां पे 1,00,000 आ जाएगा। अब आपको पता है लॉस ऑन इशू जो है और डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू और डिबेंचर्स, ये दोनों सेम अकाउंट है, ये एक्चुअली सेम अकाउंट होते हैं। लॉस ऑन इशू का मतलब क्या है? इशू के टाइम पे होने वाला नुकसान। डिस्काउंट ऑन इशू क्या है? वो भी इशू के टाइम पे होने वाला डिस्काउंट नुकसान ही है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब हम सेम टाइप का अकाउंट यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं तो हमें इस अकाउंट को मेंटेन करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। जब भी आप डिबेंचर्स को लॉस पे इशू करोगे तो आपको इस अकाउंट को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिंपली LOI मेंटेन करना है और नीचे आ जाएगा POR। बट सर आप ये पहले बता देते। नहीं, मैं चाहता था कि आप इसे कट करो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। जो चीज़ आप थोड़ी सी अनयूजुअल करते हो वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए याद रहती है। तो LOI अकाउंट डेबिटेड, अब LOI में कितना आएगा भाई? 10 रुपये इसके डिस्काउंट के, 10 रुपये इसके, कितने हो गए? 20 रुपये हो गए। कितने हो गए? 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये यानी कि 20,000 रुपये हो गए। और नीचे POR तो कितना आ जाएगा? 10,000 ही आ जाएगा। POR तो आपका कितना आ जाएगा? 10,000 ही आ जाएगा। प्रीमियम रिडम्पशन विल बी 10,000। तो यहाँ पे आपने क्या किया? डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू के अकाउंट को मर्ज कर दिया, एक बना दिया। तो LOI और DOI जो है वो एक ही अकाउंट है। आपने दोनों अकाउंट को क्या कर दिया? मर्ज करके एक बना दिया। LOI और DOI के अकाउंट को
मर्ज करके आपने एक बना दिया, LOI और DOI के अकाउंट को मर्ज करके एक बना दिया, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, दोनों को PNL में हर साल राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम, दोनों का काम सेम, दोनों का सब कुछ सेम, भाई भाई है दोनों, इसलिए दोनों को एक साथ ही खत्म कर दिया। चलिए बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ जी, डन। इसके साथ ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट एक टॉपिक बचा है, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इश्यू और डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बस ये चालू करना। चलिए देखिए, लास्ट टॉपिक है इश्यू और डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इश्यू और डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यहां पे आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब हमारे सामने सबसे पहले कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये है क्या कोलैटरल सिक्योरिटी, क्या नाम है, क्या है कोलैटरल सिक्योरिटी, क्यों, क्या 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 है ये, कौन सी सिक्योरिटी हो रही है। सो देखो, कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, यहाँ पे आपको, आप सोचो ये क्यों इशू करने, एक एग्जांपल देता हूँ भाई, आपको बैंक से लोन चाहिए, क्या चाहिए, बैंक से लोन चाहिए। आप एक बैंक के पास गए, बैंक को ले जाके आपने बोला कि भाई मेरे को लोन चाहिए, भाई मेरे को क्या चाहिए, लोन चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। आप बैंक के पास गए और बैंक के पास ले जाके आप बोलते हो कि भाई मेरे को लोन चाहिए, बैंक बोलता है कितने का लोन चाहिए, आपने कहा सर 10 करोड़ का लोन चाहिए, तो आपने, बैंक ने कहा कि 10 करोड़ का लोन चाहिए तो लाओ प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह दो, आपने उसको प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दिए कि बोले ये हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तो बैंक ने कहा ठीक है बट हमें इसके लिए एक एडिशनल सिक्योरिटी भी लगेगी, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे हमारे डिबेंचर्स आपके पास रखवा देते हैं। तो भाई समझना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मान लो हम बैंक के पास गए और बैंक के पास ले जाके हमने क्या किया, लेट से बैंक के पास ले जाके हमने हमारे डिबेंचर ऐसे एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रखवा दिए। मान लो ये हमारे क्या है, ये हमारा डिबेंचर का सर्टिफिकेट है, क्या ही हमारा डिबेंचर का सर्टिफिकेट है, ये डिबेंचर का सर्टिफिकेट जो है, मान लो मेरे को एक बैंक से लोन लेना है, एक बैंक से मैंने लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लेने के साथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो मैं रखवाऊंगा, किसके डॉक्यूमेंट्स तो मैं रखवाऊंगा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो रखवाऊंगा। मान लो ये मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आप देख सकते हैं अंदर मैंने रख रखे हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले जाके मैं किसके पास रखवाने वाला हूँ, बैंक के पास रखवाने वाला हूँ, तो मैंने बैंक को दे दिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। बैंक बोलता है सुनो इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए साथ में, साथ में चाहिए डिबेंचर की सिक्योरिटी भी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप एक काम करोगे, डिबेंचर आपके इनएक्टिव रहेंगे, ये जिंदा नहीं है डिबेंचर। बोले यहां पे मैं पागल नहीं बनूंगा कि तुम्हें बैंक लोन पे भी ब्याज दूं, डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट देता रहूं। तो बैंक बोलता है नहीं नहीं भाई, ये डिबेंचर मेरे पास डेड फॉर्म में, मतलब जिंदा नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म में। बोले मैं सिर्फ इसको सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखूंगा। मैंने कहा इससे क्या फायदा होगा। बोले कल को अगर तुम मान लो लोन नहीं चुका पाए, कल को अगर तुम मान लो, अज्यूम कर लो लोन नहीं चुका पाए, तो तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर तो है ही हमारे पास, हम इसको बेच सकते हैं। बोले हां सही बात है, बेच सकते हैं, इसको बेच दिया तो तुम्हारा धंधा बंद, बात तो सही है, तुम्हें यहां से बिजनेस शिफ्ट करना पड़ेगा, बात तो सही है। तो इसकी बजाय हम इसकी सिक्योरिटी तो रख रहे हैं, साथ में हम तुम्हारे डिबेंचर्स भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिबेंचर्स भी ले रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि कल को तुम लोन नहीं चुका पाए तो इन डिबेंचर्स को मार्केट में बेच देंगे, मार्केट से हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हें वापस कर देंगे, तो तुम्हारी सिक्योरिटी भी बच गई और तुम्हारा एक नया लोन बन गया, ठीक है, तो हमारी भी दिक्कत खत्म। बट कल को अगर मान लो डिबेंचर्स नहीं बिके तो हम तुम्हारी फिर फाइनली सिक्योरिटी बेचेंगे, और तो क्या है। सो इसीलिए यहां पे अपन ने क्या किया है, डिबेंचर्स को एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी आप बैंक के पास रखवा देते हो, वो इश्यू नहीं करने हैं आपको, सिर्फ बैंक के पास रखवाने हैं। तो आप बस इसकी एंट्री पास करेंगे कि हमने बैंक के पास वो रखवा दिए हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पे। तो यहां पे डिबेंचर को एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इश्यू करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है, एक आता है मेथड 1 और एक आता है मेथड 2।
मेथड वन और एक आता है मेथड टू। मेथड वन में ठीक है व्हेन एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट पास्ड। जब एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पास नहीं करी जाएगी, और ये कौन सा मेथड होता है, मेथड टू, वो चलता है व्हेन एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इज पास्ड। तो यहां पे तो आप एंट्री पास करोगे नहीं डिबेंचर इश्यू करने की, ठीक है, बट वहां पे आप डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री पास करोगे। तो इसमें क्या एंट्री होती है, इसमें एंट्री होती है सिर्फ एक एंट्री होती है, क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। इसमें एक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, कि आपने बैंक से बैंक लोन ले लिया, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, एंट्री फॉर इश्यू डिबेंचर इज नॉट पास्ड, और यहां पे क्या है, एंट्री फॉर इश्यू डिबेंचर इज पास्ड। तो यहां पे क्या करते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यहां पे एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, तो लिखना है। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी अपनी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% या जो भी जितने परसेंट डिबेंचर्स है टू डिबेंचर्स। तो यहां पे अपन ने क्या किया, डिबेंचर के इशू करने की एंट्री पास करी है, और यहां पे अपन ने ठीक है डिबेंचर के इशू करने की एंट्री पास ही नहीं करी है। तो यहां पे आप डिबेंचर के इशू करने की एंट्री पास ही नहीं करते हो, यहां पे आप डिबेंचर के इशू करने की एंट्री पास करते हो, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। यहां पे नरेशन आएगा बीइंग डैश परसेंट, ठीक है, मतलब 20,000% डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको लिखवाना पड़ेगा कि आपने इतने परसेंट डिबेंचर को इशू करा है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सेम केस यहां पे लिखा जाएगा बीइंग डैश परसेंट डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, यहां पे भी नरेशन आ जाएगा बीइंग 10% डिबेंचर्स मान लो 1 लाख 10% डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा था, ये जो टॉपिक है दिस टॉपिक इज मोर अबाउट डिस्क्लोजर। एक मधु का एक क्वेश्चन है कि लॉस ऑन इश्यू की जगह पे डिस्काउंट लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है भाई। लॉस ऑन इश्यू, मेरी बात समझो, लॉस ऑन इश्यू का मतलब क्या हो गया कि जो नुकसान हुआ है इश्यू के टाइम पे, और डिस्काउंट ऑन इश्यू सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है कि जो डिस्काउंट हमने दिया है इश्यू पे। तो कौन सा अकाउंट बड़ा हुआ, लॉस वाला, क्योंकि लॉस वाले में हर तरीके का लॉस आ सकता है, और डिस्काउंट वाले में सिर्फ डिस्काउंट वाला लॉस आ सकता है। तो लॉस ऑन इश्यू करेंगे तो लॉस ऑन इश्यू अकाउंट का स्कोप ज्यादा बड़ा है ना, उसमें डिस्काउंट भी आ सकता है, किसी भी तरीके का लॉस आ सकता है, मगर डिस्काउंट में सिर्फ डिस्काउंट आ सकता है, तो वो अकाउंट कभी नहीं ले सकते। अगर दोनों चीजें हैं तो लॉस वाला बड़ा वाला अकाउंट लो, ताकि छोटी वाली चीजें भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाए इसके लिए। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ये तो एंट्रीज का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वी आर डन विद द एंट्रीज पार्ट। अब इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर अपने को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखना, अब यहां पे आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, यहां पे आप लिख देंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब याद है क्या, मैंने आपको इक्विटी तो पढ़ा दिया था, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर, पिछले क्लासेस में इक्विटी पढ़ाया था मैंने आपको, तो इस बार अपन सिर्फ लाइबिलिटीज, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा अपना सबसे पहला ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर वन। चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स में अपन लिख देंगे यहां पे पहला
बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिख देंगे बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है? बैंक लोन है जैसे जितने का भी है, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन कोलेट्रल, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डैश परसेंट डिबेंचर ऑफ रुपीस डैश ईच। तो ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो बैंक लोन है ये सिक्योरिटी के ऊपर है। किसके ऊपर है? सिक्योरिटी के ऊपर। बट दूसरे में क्या होगा? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनेगा सेम, ये तो सेम बनेगा एज इट इज, ये सेम आ जाएगा एज इट इज। फिर क्या बनेगा इसमें? नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में पहला आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम लिखेंगे यहाँ पे लेट्स से 12% डिबेंचर्स, इसमें से माइनस कर दो डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर इसमें दूसरा आ जाएगा बैंक लोन, और बैंक लोन के ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ डैश परसेंट डिबेंचर्स, ठीक है, खत्म बात। बस ये हो गया। तो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। इस टॉपिक में कुछ और है ही नहीं। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। इस टॉपिक में मेनली डिस्क्लोजर है कि वहां पे आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाई, एक जगह आपने सिर्फ लिख दिया बैंक लोन, क्योंकि वहां पे इस जगह पे सिर्फ बैंक लोन लिखा हुआ था, तो बैंक टू बैंक लोन में बैंक लोन लिख दिया। और इस जगह आपने क्या करा, इस जगह बैलेंस शीट तो सेम ही बनेगी दोनों में, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शोकेस का डिफरेंस है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे 12% डिबेंचर्स, और क्योंकि आपने यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस यूज करा है तो आपको डिबेंचर सस्पेंस उसमें से माइनस करने पड़ेंगे और बैंक लोन को एज इट इज लिख देंगे। बोलो भाई, ये हो गया खत्म इसके साथ में, ये हो गया खत्म इसके साथ में। बताइए, ये मधु आपको समझ आ गया ना आपका डाउट? इंटरचेंज मत कर देना, ठीक है, डोंट इंटरचेंज इट। चलिए, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इश्यू और डिबेंचर्स कंप्लीट हो गया आप लोग का। हाँ चलो, फिर आप लोग का क्लास वाइंड अप करते हैं आज का, ठीक है। क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ गाइज में आप लोग की, है ना, और आप लोग आराम से इसका, मैं उसका पीडीएफ भी आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में, आई विल सेंड यू द पीडीएफ आल्सो। चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।